हेलो साथियों, कैसे आप सभी। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, जैसा कि आपको बताया कि अभी हम सभी नीतू सिंह बुक के वन वर्ड सबस्टिट्यूशन वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं और इसमें पिछले दो वीडियो में हमने दो लेटर वाले वन वर्ड को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब बारी है साथियों आपके तीसरे लेटर जो है आपका सी। और आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट सी लेटर से जितने भी आपके वन वर्ड सबस्टिट्यूशन के वर्ड दिए गए हैं उन सारे वर्ड को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो आपका जो पहला वर्ड है सी से, वो आपका कैबिनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। देखिए, सबसे पहले समझिए साथियों कैबिनेट होता क्या है। ठीक है, कैबिनेट होता क्या है, कहते हैं किसको है कैबिनेट। तो कैबिनेट जो वर्ड आया है ये एक डांस का फॉर्म है। ठीक है, कैबिनेट डांस है, एक उसी से बना है कैबिनेट। तो आपको ध्यान रखना है कैबिनेट मतलब क्या होता है। कैबिनेट मतलब इसको कह सकते हैं कैबिनेट जो नृत्य होता है, डांस होता है, उसी को हम लोग कैबिनेट कहते हैं। तो ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये आपका डांस का एक फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग भी वही लिखा हुआ है कि अ सीरीज ऑफ कैबिनेट डांस या फिर एक्ट एट अ नाइट क्लब। आपने नाइट क्लब में देखा होगा जो है ना एक्ट होता है, उसी को हम लोग कैबिनेट कहते हैं। ठीक है, तो ये कैबिनेट डांस का एक फॉर्म होता है आपका कैबिनेट, तो ध्यान में रहेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, बोलिए कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब क्या होता है, कैबिनेट नृत्य यानी कैबिनेट डांस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका वर्ड नंबर 78 है, वो है आपका कैबी या फिर कैब ड्राइवर। यहां से देखिए दो वर्ड आपके निकल के आ रहे हैं, कैबी और कैब ड्राइवर। साथियों सबसे पहले तो ये दोनों सैनोनिम्स में आप ले सकते हैं, दोनों वर्ड सैनोनिम्स है, दोनों वर्ड का सेम मतलब होता है। अब देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा कैब, सी ए बी कैब, ये वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, देखिए कैब मतलब क्या होता है, टैक्सी, यही तो होता है। अब देखिए कैब से ही दो वर्ड बना, पहला बना कैब ड्राइवर, दूसरा बना कैबी। ठीक है, दोनों देखिए कैब से ही बना है, तो जब भी या तो कैबी आएगा या तो कैब ड्राइवर आएगा तो आप इसे समझ जाएंगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैब ड्राइवर के बारे में बात हो रही है। कैबी अगर कहीं लिखा रहेगा तो आपको पता चल जाएगा टैक्सी चालक के बारे में बात हो रही है। क्लियर, तो आप कैब से आप यहां लिंक कर सकते हैं कैबी और कैब ड्राइवर को। ठीक है, इसका मतलब पता है आपको क्या होता है, टैक्सी चालक। वही लिखा हुआ है कि द ड्राइवर ऑफ अ टैक्सी कैब। ठीक है, टैक्सी कैब का जो ड्राइवर होता है साथियों उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कैबी कहते हैं या फिर कैब ड्राइवर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार रिपीट करेंगे, बोलिए कैबी। कैबी मतलब टैक्सी चालक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला वन वर्ड है वो आपका कैकोफोनी, इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है कैकोफोनी जो वर्ड है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि ये बहुत बार आपके एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक है, ये जो कैकोफोनी वर्ड है ये आपके एग्जाम में पूछा गया, ये पूछा हुआ वर्ड है। और कोई भी पूछा हुआ वर्ड अगर एक एग्जाम में भी पूछा जाता है तो वो वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर, अब समझते हैं कैकोफोनी मतलब होता क्या है। देखिए इसका मतलब होता है श्रुति कटुत्व। देखिए बहुत ही शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब होता है कि ऐसा आवाज जो सुनने में कड़वा लगे। ठीक है ना, हर्ष साउंड इसको कह सकते हैं। ठीक है, जो मतलब सुनने में थोड़ा सा होता है ना, जो सुनने में थोड़ा सा कड़वा लगे, अच्छा नहीं लगे, उसी को हम लोग कहते हैं कैकोफोनी, शोरगुल वाली आवाज, तो उसी को हम लोग कहते हैं कैकोफोनी। तो अगर फिर से बोलेगा कैकोफोनी, कैकोफोनी मतलब क्या होता है, श्रुति कटुत्व। अगर ये अगर याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसके जगह पर यहाँ लिख सकते हैं कि शोरगुल भरी आवाज। ठीक है, जो सुनने में जो कान को थोड़ा, जिसको सुनने में कान को परेशानी होती है उसी को हम लोग कहते हैं श्रुति कटुत्व। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला जो वर्ड है आपका, अगला वर्ड है साथियों वो आपका कैजुअल। कैजुअल मतलब होता है खुशामद करना। कैजुअल मतलब क्या होता है, कैजुअल मतलब होता है खुशामद करना। ठीक है, अब देखिए इसको आप एक अभिनेत्री है काजोल, आप उससे याद कर सकते हैं कैजुअल को। ठीक है, तो कैजुअल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खुशामद करना है ना, जिसको आप अपने भाषा में कहते हैं फुसलाना। होता है ना कि आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, अगर उनको काम निकलवाना होता है तो आपको फुसलाते हैं, आपको खुशामद करते हैं। ठीक है, तो आइए इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग है परस्यूडेड बाई फ्लैटरी। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, परस्यूडेड बाई फ्लैटरी। इसका वही मतलब है कि जो है ना कोई व्यक्ति कोई काम निकालने के लिए जो खुशामद करता है ना, कोई मतलब गिड़गिड़ाता है, खुशामद करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि उनको मतलब उनको मनाता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कैजुअल। ठीक है, एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा कैजोलमेंट। ठीक है, तो कैजुअल से ही बना आपका कैजोलमेंट, तो याद रहेगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, तो आपका अगला वर्ड है साथियों वो आपका कैलीग्राफी। अगला वर्ड क्या है आपका, कैलीग्राफी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कैलीग्राफी। आपने बहुत बार सुना होगा कैलीग्राफी को। कैलीग्राफी मतलब होता है कि आप सुंदर लिखने की कला। ठीक है, आप सभी लोग नोट बनाते होंगे, लिखते होंगे, पहले कॉपी में लिखते थे ना, अभी भी लिखते होंगे। तो उसमें क्या होता है कि आप उसे लिखते हैं तो बहुत लोग का राइटिंग बहुत बढ़िया होता है, तो कैलीग्राफी उसी को हम लोग कहते हैं। मतलब सुंदर लिखने का जो कला होता है, बहुत लोगों का आपके सर्कल में बहुत सारे लोगों का जो राइटिंग होगा वो बहुत बढ़िया होगा, और बहुत लोगों का राइटिंग बहुत खराब भी होगा। तो जिनका राइटिंग खराब है उन्हें कैलीग्राफी नहीं बोलते, बल्कि जिनका राइटिंग अच्छा है। ठीक है, मतलब अच्छा राइटिंग लिखना, ठीक है, अच्छा हैंड राइटिंग होना, उसका जो आर्ट है उसी को हम लोग कहते हैं कैलीग्राफी। ठीक है,
आइए देखिए इसका इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, मतलब खूबसूरत जो आपका हैंड राइटिंग होता है उसका जो कला होता है उसी को हम लोग कहते हैं कैलीग्राफी। ठीक है, सुलेखन तो याद रहेगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला वर्ड है साथियों आपका, अगला वर्ड है कैनिबल। आपका अगला वर्ड क्या है? कैनिबल। देखिए कैनिबल मतलब दो चीज होता है। कैनिबल जो देखिए वर्ड सेम है, समझिएगा ये आपका 82 और 83 नंबर दोनों वर्ड सेम है, लेकिन सेम वर्ड के लिए आपसे दो तरीके से सवाल पूछ सकता है, समझिएगा दोनों सवाल को आप सुनिएगा। सबसे पहला सवाल आपसे पूछ सकता है वन वर्ड में, पहला सवाल है कि द मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लेश। ठीक है, ऐसा आदमी जो मानव का मांस खाता है, नरभक्षी, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? उसे भी कैनिबल कहेंगे। क्लियर। और दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन अलग अलग आपको अलग अलग तरीके से लिख के आपसे पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब नरभक्षी होता है, राक्षस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक बार बोलिएगा हमारे साथ, बोलिए कैनिबल। कैनिबल मतलब क्या हो गया? नरभक्षी या फिर राक्षस आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका जो अगला वर्ड है वो आपका कैप्साइज। अगला वर्ड क्या है साथियों? अगला वर्ड है कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब देखिए यहां लिखा हुआ है पलटना, लेकिन आप इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं कैप्साइज को, तो आप इसे याद कर सकते हैं कि नाव का पलटना। ठीक है, नाव या जहाज जो होता है वो पानी में जो उलट जाता है, पलट जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कैप्साइज, नाव का डूबना। ठीक है, तो वही देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग भी लिखा हुआ है कि ओवरटर्न इन वाटर। ठीक है, पानी में पलट जाना, ठीक है, डूब जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कैप्साइज कहते हैं। तो याद रहेगा, एक बार फिर से बोलिए हमारे साथ, बोलिए कैप्साइज। कैप्साइज मतलब पलटना। देखिए मैं अपने साथ इसलिए आपको बुलवाता हूं, चूंकि जब तक कोई वर्ड को आप साउंड निकाल कर जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो वर्ड आपके दिमाग में फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, वो वर्ड भले आपको आएगा लेकिन बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो आप कोशिश करें कि जितना भी आपको मैं वन वर्ड करा रहा हूं उसको आप साउंड निकाल कर, ठीक है, अगर दिक्कत हो रही है तो आप अकेले में बैठ जाएं, कहीं साइड में बैठ जाएं, वहां पर थोड़ा सा आवाज है ना, ज्यादा जोर से नहीं लेकिन धीमे आवाज में, लेकिन थोड़ा साउंड निकाल कर आप इसे पढ़ें हमारे साथ साथ, तब आपको मैं इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। आपका जो अगला वर्ड है वो आपका कार्नेज। अगला वर्ड क्या है साथियों? अगला वर्ड है कार्नेज। कार्नेज मतलब क्या होता है? कार्नेज मतलब होता है हत्याकांड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हत्याकांड। देखिए हत्याकांड आपने वर्ड बहुत सुना होगा न्यूज़पेपर में, तो वही ये हत्याकांड है। तो आप जब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, जैसे द हिंदू हो गया, पढ़ना भी चाहिए, ठीक है ना, तो उसमें ये सारा वर्ड बहुत यूज रहता है। ठीक है, कार्नेज जो वर्ड है बहुत बार देखने को मिलता है। तो देखिए उसका जो आपका इंग्लिश मीनिंग है, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, तो लिखा हुआ है कि किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। ठीक है, अब देखिए अगर समझिएगा हत्या और हत्याकांड में अंतर क्या होता है। ठीक है, हत्या मतलब होता है मर्डर, ठीक है, और कार्नेज मतलब हत्याकांड। समझिएगा मर्डर और कार्नेज में अंतर क्या है। तो अगर किसी एक व्यक्ति को, ठीक है, अगर किसी एक व्यक्ति को मारा जाता है तो वो कहलाएगा मर्डर, ठीक है, वो हत्या कहलाएगा। लेकिन जब बहुत सारे, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो जब बहुत सारे व्यक्तियों को जब मारा जाता है तो वो कहलाता है हत्याकांड, और उसका मीनिंग मर्डर से हो जाता है कार्नेज। क्लियर साथियों, तो कार्नेज वर्ड याद रहेगा आपका। कार्नेज मतलब क्या होता है? हत्याकांड। तो एक बार फिर से हमारे साथ बोलिएगा, बोलिए कार्नेज। कार्नेज मतलब हत्याकांड। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला वर्ड है वो आपका कार्निवल। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है कार्निवल। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है मनोरंजन मेला। देखिए बहुत बार होता होगा कि अगर आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में भी बहुत बार लगता है, वो एक मेला होता है जहां पर क्या होता है कि बहुत सारे मनोरंजन की चीजें होती है। ठीक है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं कार्निवल। क्लियर, तो इसका देखिए इंग्लिश मीनिंग में वही लिखा हुआ है कि पब्लिक मेरी मेकिंग एंड फेस्टिंग। ठीक है, जहां पर जो लोग होते हैं वो जाकर वहां पर मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन मेला। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्निवल कहते हैं। याद रहेगा, एक बार हमारे साथ बोलिए, बोलिए कार्निवल। कार्निवल मतलब क्या हो गया? मनोरंजन मेला। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला वर्ड है, अगला वर्ड है कार्टोग्राफर। आपका अगला वर्ड क्या है साथियों? अगला वर्ड है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब होता है मानचित्रकार। देखिए इसका आप इसका जो रूट वर्ड है वो समझिएगा, यहां पर रूट वर्ड पकड़िएगा। देखिए इसका रूट वर्ड पकड़िए, देखिए काटो जो है, ये जो काटो लिखा हुआ है इसका मतलब ही होता है मानचित्र। ठीक है, तो ये जो काटो, इसका अगर कहीं काटो दिखे तो इसका मतलब समझ जाए, या काटो दिखे या कार्टोग्राफ दिखे, कहीं भी अगर ये दिख जाए रूट वर्ड, तो मतलब पक्का है कि वो मानचित्र यानी मैप से रिलेटेड होगा। आपको क्या समझना है कि अगर कहीं भी काटो या कार्टोग्राफ दिखे तो मतलब समझ जाना कि ये पक्का मैप यानी मानचित्र से रिलेटेड है। अब देखिए कार्टोग्राफ से दो वर्ड आए यहां पर, पहला है कार्टोग्राफ और दूसरा है कार्टोग्राफी, दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, समझिएगा। देखिए पहला वर्ड है आपका कार्टोग्राफर,
इसका मतलब होता है मानचित्रकार। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मानचित्रकार, मतलब अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स एंड चार्ट्स। ठीक है, मतलब ये जो कार्टोग्राफर, ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो मैप को ड्रॉ करता है या फिर चार्ट को ड्रॉ करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं, अगला वर्ड देखते हैं, अगला देखिए इसी से रिलेटेड है, वो आपका कार्टोग्राफी। अगला वर्ड क्या है? वो आपका कार्टोग्राफी। इसका मतलब होता है मानचित्रकला। इसमें कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि व्यक्ति जो जो व्यक्ति में जो आर्ट होता है, ठीक है, व्यक्ति में मैप और चार्ट बनाने का जो आर्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं मानचित्रकला। ठीक है, तो देखिए उसका लिखा हुआ है कि आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग कहेंगे कार्टोग्राफी। ठीक है, तो याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। तो एक बार दोनों मीनिंग को हम लोग साथ साथ बोलते हैं। तो सबसे पहले बोलिए कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर मतलब मानचित्रकार। क्लियर, अगला वर्ड है आपका कार्टोग्राफी। तो बोलिए हमारे साथ, बोलिए कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी मतलब मानचित्रकला। ठीक है, इसको समय समय पर आप रिविजन करते रहेगा, बहुत सारा तो हमें लगता है क्लास में ही आपका क्लियर हो जाता होगा, और बहुत सारे जो टफ मीनिंग होते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मीनिंग होता है, उसको आप अंडरलाइन कर लें और समय समय पर रिविजन करते रहें। ठीक है, चलिए अगला मीनिंग आपका मीनिंग नंबर, वर्ड नंबर 89, वो है आपका कैटलॉग। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो जो एग्जाम में पूछा गया साथियों, वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। ये जो कैटलॉग है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका कैटलॉग का मतलब क्या होता है वो समझते हैं सबसे पहले। तो कैटलॉग का मतलब होता है साथियों पुस्तक का सूची। ठीक है, किताबों का जो सूची होता है, लिस्ट ऑफ बुक्स, जैसे आप अभी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब शुरुआत किए होंगे एग्जाम की तैयारी करना, तो आपने क्या किया होगा कि आप किताबों का एक सूची बनाएंगे कि नहीं हमें ये किताब पढ़ना है, ठीक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट पढ़ना है, ये पढ़ना वो पढ़ना, तो आप एक लिस्ट ऑफ बुक्स बनाए होंगे। ठीक है, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं कैटलॉग। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं कैटलॉग। तो याद रहेगा कैटलॉग मतलब क्या होता है? पुस्तकों की सूची। ठीक है, पुस्तक सूची, उसी को हम लोग कहते हैं कैटलॉग। तो देखिए इसका इसका मतलब ही वही लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ बुक एंड अदर आर्टिकल्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे कैटलॉग। तो एक बार हमारे साथ बोलिए, बोलिए कैटलॉग, कैटलॉग मतलब लिस्ट ऑफ बुक। ठीक है, यानी पुस्तक की सूची, पुस्तक का लिस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला वर्ड है सेलिबेट। सेलिबेट मतलब होता है ब्रह्मचारी, इसको कुमारा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सेलिबेट, देखिए किसको कहते हैं हम लोग सेलिबेट? तो ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मचारी होता है, ठीक है, जो शादी नहीं करता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं सेलिबेट। तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि वन हु हैज टेकन अ वो नॉट टू हैव सेक्स। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग सेलिबेट कहते हैं, यानी ब्रह्मचारी। ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो एक बार हमारे साथ बोलिए, बोलिए सेलिबेट, सेलिबेट मतलब ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर शादी में शादी नहीं करना चाहते, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रह्मचारी। बहुत सारे साधु महात्मा लोग ब्रह्मचारी होते हैं। तो अगर इसका मीनिंग पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? हमें सेलिबेट बोलना होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? सेलिबेट। चलिए अगला, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले मीनिंग की ओर। अगला मीनिंग है आपका सिमेट्री। ठीक है, अगला मीनिंग है क्या? आपका सिमेट्री। देखिए ये जो सिमेट्री है ये आपका कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि सिमेट्री को बहुत बार आप समझते हैं सेंचुरी। ठीक है, तो सेंचुरी नहीं है, आपका सिमेट्री है, और इसका मतलब होता है कब्रिस्तान। इसका मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब आपका हो जाता है कब्रिस्तान। ठीक है, कब्रिस्तान मतलब जहां पर मुस्लिम लोग है ना, मुस्लिम लोग, जैसे कि अगर आप हिंदू है तो हिंदू आपको क्या किया जाता है, जब हिंदू में किसी की मृत्यु होती है तो उन्हें श्मशान घाट ले जाया जाता है, लेकिन अगर किसी मुस्लिम की मृत्यु होती है तो उन्हें कब्रिस्तान ले जाया जाता है। तो सिमेट्री मतलब क्या होता है साथियों? सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान, है ना, जहां पर आदमी को दफनाया जाता है, जहां पर लोगों को दफनाया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं सिमेट्री। तो आइए देखते हैं सिमेट्री से रिलेटेड आपसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि द प्लेस फॉर कॉर्पसेस टू बी बरीड। ठीक है, ऐसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि द प्लेस, ऐसा स्थान बताइए जहां पर लोगों को दफनाया जाता है, तो उसे आप उसका जवाब क्या बोलिएगा? सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री मतलब यही होता है। क्लियर साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो वर्ड है वो आपका सेंटनारी। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड फिर से, और इसका फिर से रूट वर्ड पकड़िए। देखिए सेंचुरी, सेंचुरी मतलब क्या होता है? सौ। ठीक है, सेंचुरी आपने सुना होगा क्रिकेट में, बहुत बार सेंचुरी वर्ड सुनने को मिला होगा। तो सेंचुरी मतलब क्या होता है? सौ होता है। ठीक है, शतक होता है। तो देखिए सेंचुरी से ही आपका ये बना सेंटनारी। ठीक है, उसी से रिलेटेड है आपका ये, इसको कहते हैं हम लोग शताब्दी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शताब्दी। शताब्दी मतलब क्या? तो आपका जो सौवां एनिवर्सरी होता है, ठीक है, सौवां एनिवर्सरी होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शताब्दी। ठीक है, जैसे कोई भी चीज शुरू हुआ था उसका 100 साल पूरा हो गया। ठीक है, जैसे कोई भी, जैसे कि हमारे कुछ भी बहुत सारा आंदोलन हुआ, पास्ट में बहुत सारे आंदोलन हुए, तो उसका जब 300 साल पुरता है ना, 200 साल होता है, तो उसको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। तो जब कोई भी, ठीक है, जब कोई भी या फिर कोई महापुरुष
जो चले गए या फिर हैं, जब उनके उनका जब 100 साल होता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं उनका शताब्दी समारोह है, यानी उनका 100वां एनिवर्सरी है। क्लियर? तो आपको याद रहेगा कि अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज उसका 100वां साल है तो हम क्या बोल सकते हैं, सेंटेनरी, ठीक है, यानी शताब्दी। तो आप एक बार हमारे साथ रिपीट करेंगे, बोलिए सेंटेनरी, सेंटेनरी मतलब शताब्दी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है क्रोनोलॉजिकल। अगला वर्ड क्या है साथियों? अगला वर्ड है क्रोनोलॉजिकल। इसका मतलब होता है समय के अनुसार। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है? समय के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिक्वेंस ऑफ टाइम, ठीक है, समय के अनुसार जो होता है, समय के क्रमानुसार होता है, मतलब समय के अनुसार, ठीक है, समय के अनुसार जो होता है उससे ही हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, क्रोनोलॉजिकल आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो एक बार हमारे साथ आप बोलेंगे, बोलिए क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है? समय के अनुसार, ठीक है। तो अगर समय के क्रमानुसार बोलने में अगर आपको परेशानी हो रही है या फिर याद नहीं रहेगा तो सिंपली आप याद कर सकते हैं समय के अनुसार, ठीक है, या फिर सीक्वेंस ऑफ टाइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। तो ऐसे आपके ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको ये आंसर बताना है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका जो अगला वर्ड है साथियों, देखिए आपका जो अगला वर्ड है वो आपका सर्कमलोक्यूशन, इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, फिर से आपका इंपॉर्टेंट वर्ड ये है। सर्कमलोक्यूशन मतलब क्या होता है? कि घुमा फिरा कर बात करना। सर्कमलोक्यूशन मतलब क्या होता है साथियों? कि किसी भी बात को डायरेक्टली नहीं बोलना, घुमा फिरा कर बात करना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग सर्कमलोक्यूशन कहते हैं। क्लियर? जैसे देखिए सर्कमलोक्यूशन याद कैसे रहेगा समझिएगा। देखिए सर्कम, तो सर्कल, देखिए सर्कम में सर्कल आ रहा है, सर्कम में क्या, सर्कल वाला आ रहा है, तो सर्कल मतलब क्या होता है? गोल। तो गोल मतलब घुमा फिरा कर। तो आप सर्कम लोकेशन में याद कर सकते हैं कि घुमा फिरा कर, इससे आप यहां से रूट वर्ड से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो सर्कम लोकेशन मतलब क्या हो गया? घुमा फिरा कर बात करना, किसी बात को डायरेक्टली नहीं बोलना, ठीक है, घुमा फिरा कर बोलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी बात को डायरेक्टली नहीं बोलते। चलिए इसका देखते हैं कैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इसका पूछा जाएगा कि राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन देना, कोई भी बात रखना, तो वो डायरेक्टली नहीं रखना बल्कि इनडायरेक्टली रखना, है ना, घुमा फिरा कर रखना। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे ही हम लोग बोलेंगे सर्कमलोक्यूशन। क्लियर साथियों? चलिए आगे देखते हैं। आपका जो अगला वर्ड है वो आपका क्लॉक रूम। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है क्लॉक रूम। देखिए क्लॉक रूम जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है माल गोदाम, ठीक है, जहां पर बहुत सारे सामान रखे जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्लॉक रूम, ठीक है, याद रहेगा। क्लॉक रूम किसे बोलते हैं? जहां पर बहुत सारे सामान रखे जाते हैं ना। देखिए इसका मीनिंग देखिए, द प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन। आपने रेलवे स्टेशन में देखा होगा माल गोदाम, एक सेक्शन ही बना होता है अलग, ठीक है, वहां पर बहुत सारे सामान रखे जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लॉक रूम। तो ये वर्ड याद रहेगा, ठीक है, क्लॉक रूम। एक बार हमारे साथ बोलेंगे, बोलिए क्लॉक रूम। क्लॉक रूम मतलब माल गोदाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आपका वन वर्ड नंबर 96 है वो आपका कोर्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है कोर्स, इसका प्रोनाउंसिएशन कोर्सी होता है साथियों, ठीक है। इसका मतलब होता है मजबूर करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मजबूर करना। ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? मजबूर करना, है ना, किसी भी चीज के लिए मजबूर करना। देखिए इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग लिखा हुआ है कंपेल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, मतलब कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी एक्शन करने के लिए किसी को मजबूर करना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे ही हम लोग बोलेंगे कोर्स, ठीक है, ध्यान में रहेगा आपका। क्लियर साथियों? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड आपका कॉग्नेट, इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। कॉग्नेट मतलब क्या होता है? कॉग्नेट मतलब होता है कि एक ही उत्पत्ति के, ठीक है, मतलब देखिए एक ही उत्पत्ति से समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा चीज जिसका मतलब ओरिजिन सेम हो, ठीक है, जिसका ओरिजिन मतलब जहां से वो उत्पन्न हुए हैं, जहां से वो बने हैं, तो ऐसे चीज जिनका उत्पत्ति स्थान यानी उनका जो ओरिजिन है वो सेम ही हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे कॉग्नेट, ठीक है, ध्यान में रहेगा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। देखिए कॉग्नेट किसे बोलेंगे? तो कॉग्नेट उसे बोलेंगे साथियों जिसका उत्पत्ति स्थान जो है, ठीक है, मतलब जहां से वो उत्पन्न हुए हैं, जहां से वो जहां उनका ओरिजिन है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? कॉग्नेट बोलेंगे। देखिए इसका इससे सवाल कैसे पूछे जाएंगे? तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि हैविंग द सेम और ओरिजिन, सॉरी हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन, मतलब कोई भी, जैसे कोई भी दो व्यक्ति हैं, पांच व्यक्ति हैं, उनका वो सेम सोर्स से, ठीक है, या फिर सेम ओरिजिन से, ठीक है, सेम बैकग्राउंड से, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे कॉग्नेट, ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुतों बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये वर्ड आपका कलीग्स। ये वर्ड क्या साथियों? ये वर्ड आपका कलीग्स। ये इतना बार आपके एग्जाम में पूछा गया, मैं बता नहीं सकता, हर एक एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कलीग्स मतलब होता है सहकर्मी, ठीक है, जैसे आप जॉब करेंगे तो आपके साथ ही बहुत सारे लोग काम करेंगे, ठीक है, या फिर आप अभी देखिए बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, तो जो लोग जॉब करते हैं तो उनके साथ ही बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उन्हें ही हम लोग बोलते हैं कलीग्स, ठीक है। कलीग वर्ड आपने सुना होगा बहुत बार,
तो कलीग वर्ड, कलीग जो वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है सहकर्मी, मतलब ऐसे ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ काम करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं कलीग्स, याद रहेगा। तो इसका मतलब देखते हैं, कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो इसका मतलब है कि पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी तो मैंने कहा कि अगर आप जॉब करेंगे तो आपके डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे आपके जैसे लोग काम करेंगे, ठीक है, तो उसे ही आप क्या बोलेंगे, उसे आप कलीग्स बोल सकते हैं, ठीक है, उसे आप क्या बोल सकते हैं, उसे आप कलीग्स बोल सकते हैं। क्लियर साथियों, याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका वर्ड नंबर 99 है, वो आपका कॉल्यूजन, ठीक है। वर्ड नंबर 99 क्या है, वर्ड नंबर 99 है कॉल्यूजन, इसका मतलब होता है कपट संधि। देखिए फिर से आपका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी यहां दिया हुआ है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। कपट संधि मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट वर्ड क्लियर हो रहा होगा, ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा मतलब संधि, ऐसा एग्रीमेंट जो जिसमें आप ऐसे कह सकते हैं जिसमें फ्रॉड मिला हुआ, मतलब ऐसा होता है ना फ्रॉड से कोई एग्रीमेंट करा लेना, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉल्यूजन, ठीक है। कॉल्यूजन किसे बोलेंगे, तो कपट संधि, या फिर ऐसा आप इसको लिख ऐसे याद कर सकते हैं कि ऐसा संधि, ऐसा एग्रीमेंट जो फ्रॉड से हुआ हुआ, ठीक है, जो मतलब ऐसा कह सकते हैं जो कपट से हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कॉल्यूजन कहेंगे। क्लियर, चलिए आइए देखते हैं इसका इसके कॉल्यूजन से सवाल कैसे पूछे जाएंगे। कॉल्यूजन जो वर्ड है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो इससे पूछे जाएंगे आपसे कि सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस, ठीक है, मतलब देखिए वही लिखा हुआ है आपका, फ्रॉडुलेंट मतलब ऐसा पर्पस जो अच्छा नहीं है, ठीक है, जो आपके लिए खराब है, मतलब इस तरीके से आपसे कोई एग्रीमेंट किया जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे कपट संधि, ठीक है। तो एक बार हमारे साथ बोलिएगा, बोलिए कॉल्यूजन, कॉल्यूजन मतलब कपट संधि, या फिर आप इसे याद कर सकते हैं कि मतलब फ्रॉड भरा हुआ एग्रीमेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग पहुंच गए आपका 100, ठीक है, 101 वर्ड तक। तो आपका जो 100वां, ठीक है, आपका जो 100वां वन वर्ड है साथियों, वो है आपका कन्फ्लैग्रेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड, कन्फ्लैग्रेशन मतलब होता है भीषण अग्निकांड, ठीक है। वैसे समझिए कि कहीं पर जैसे कि कोई भी एक घर है, कोई भी एक मकान है, ठीक है, वहां पर आग लग गया, ठीक है, कहीं पर एक जगह आग लग गया, तो हुआ क्या कि जो आग लगा वो बहुत ही सीमित मात्रा में सिमट कर रहा गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि ठीक है आग लगा, ठीक है, अग्निकांड। लेकिन जब ऐसा आग लगा जो बहुत बड़ा एरिया को कवर कर लिया, ठीक है, जो बहुत बड़ा एरिया को कवर कर लिया, तो उसे हम लोग बोलते हैं कन्फ्लैग्रेशन, ठीक है। तो ये वर्ड बहुत बड़े लेवल पर है ना, जो अग्निकांड होते हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल पर जो जहां आग लग जाता है, बहुत बड़े लेवल पर जहां नुकसान होता है, वहीं पर हम लोग कन्फ्लैग्रेशन का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रहेगा आपका। तो आइए देखते हैं कि कन्फ्लैग्रेशन के सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए साथियों, आपसे पूछे जाएंगे कि ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, इसका मतलब क्या होगा, तो आपको जवाब क्या देना है, आपको जवाब देना है कि इसका मतलब होगा कन्फ्लैग्रेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका 101वां नंबर जो आपका वन वर्ड है वो आपका है कंग्रेगेशन। कंग्रेगेशन मतलब होता है धर्म संगति, ठीक है, इसका मतलब होगा साथियों गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स। जैसे समझिए कि या तो मंदिर है या तो मस्जिद है, मतलब जो भी है, ठीक है, तो एक धर्म के लोग जब आपस में संगति करते हैं, आपस में जो साथ रहते हैं, आपस में जो उनका गैदरिंग होता है, जमावड़ा होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं कंग्रेगेशन, ठीक है। फिर से रिपीट करेंगे, कंग्रेगेशन किसे कहेंगे, तो सेम धर्म के, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं कि सेम मतलब धर्म के लोग जब एक जगह जमा होते हैं, ठीक है, एक जगह जमा होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कंग्रेगेशन बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंग्रेगेशन बोलेंगे। तो एक बार हमारे साथ आप रिपीट करिएगा, बोलिए कंग्रेगेशन, कंग्रेगेशन मतलब क्या हो जाएगा, धर्म संगति। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका जो अगला वर्ड है वो आपका कंग्रुएंट। ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, ठीक है, ये मैथ में बहुत यूज होता है। ये जो वर्ड है साथियों, ये मैथ में बहुत यूज होता है, ठीक है, कंग्रुएंट जो वर्ड है ये मैथ में बहुतों बार यूज होता है, ठीक है। आइए समझिए कंग्रुएंट मतलब होता क्या, तो इसका मतलब होता है सर्वांगसम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर्वांगसम, मतलब आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। अब देखिए बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ठीक है, त्रिभुज जैसे दो, ऐसे समझे एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, पीक्यूआर एक त्रिभुज है, और आपसे सवाल में क्या एक क्या पॉइंट दिया जाता है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो आपके कंग्रुएंट है, या फिर कंग्रुएंस वर्ड भी आता है, ठीक है, तो मतलब दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों क्या आपस में वो हर तरीके से आइडेंटिकल है, ठीक है, सेम नहीं है, ठीक है, दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है, बल्कि ये मतलब एक जैसे हैं, ठीक है, जैसे कोई एक हाथी है वो छोटा है, एक हाथी बड़ा है, ठीक है, तो वो दोनों एक जैसे हैं, उनके पास भी सूंड है, उनके पास भी सूंड है, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन साइज में अलग हो सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें ही हम लोग बोलते हैं कंग्रुएंट, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है, अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए चूंकि बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। ये वर्ड है आपका साथियों
कन्नोइजर, ठीक है, ये वर्ड आपका कन्नोइजर, इसका मतलब होता है कला का पारखी। पारखी मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बताना चाहता हूँ, पारखी मतलब होता है ऐसा ऐसा इंसान, ऐसे लोग जो मतलब जो ऐसा कह सकते हैं दक्ष प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत मतलब तेज होते हैं, वो किसी भी आर्ट को पहचान लेते हैं, ठीक है, किसी भी छिपे हुए आर्ट को पहचान लेते हैं, पारखी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा बहुत जगह ऑडिशन होते हैं डांस का, ठीक है, सिंगिंग का, तो वहां पर क्या लोग कौन लोग बैठे होते हैं, वहां पर जज लोग बैठे होते हैं, तो उन्हें आप कह सकते हैं कि वो लोग जो हैं वो आर्ट का यानी कला का पारखी लोग हैं, ठीक है, वो लोग तराशते हैं वहां पर कि कौन किसमें टैलेंट है किसमें नहीं है, कौन आगे बढ़ सकता है, ठीक है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं कला का पारखी। तो इसका मतलब क्या होता है कन्नोइजर, ठीक है। आइए देखते हैं ये जो वर्ड है इससे सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो इसका पूछा जाएगा कि वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट या फिर आर्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी एक सब्जेक्ट में किसी एक आर्ट में वो मतलब पारखी हो, वो उसका मतलब उसका ज्ञाता हो, ऐसा कह सकते हैं आप उसका ज्ञाता हो, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका वर्ड वन वर्ड नंबर 104वां है, वो आपका साथियों कंस्क्रिप्शन, आपका वन वर्ड नंबर 104वां है 104, वो आपका कंस्क्रिप्शन, इसका मतलब होता है अनिवार्य सैनिक सेवा। देखिए आपका जो सैनिक सेवा समझ रहे होंगे आपका, जो देखिए आर्मी का जो आर्मी लोग जो देते हैं, ठीक है, सर्विस देते हैं, तो उसमें भी बहुत तरह का होता है। तो ऐसा सैनिक ऐसा आर्मी सर्विस जो आपका अनिवार्य हो, कंपलसरी हो, मतलब अभी रहना है तो रहना है, ठीक है, तो वैसे आर्मी सर्विस को, ऐसे मिलिट्री सर्विस को हम लोग बोलते हैं कंस्क्रिप्शन, ठीक है, ध्यान में रहेगा। और ये सिर्फ ये जो है सैनिक सेवा लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ मिलिट्री के लिए लागू नहीं होता, ये और भी क्षेत्रों के लिए लागू होता है, ठीक है। तो उसे ऐसे लोग को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे लोग को बोलेंगे हम लोग कंस्क्रिप्शन, ध्यान में रहेगा। देखिए वही लिखा हुआ है कि कंपलसरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज, देखिए यहाँ खासकर लिखा हुआ अदर सर्विसेज, मतलब ये सिर्फ मिलिट्री के लिए नहीं है बल्कि और भी सर्विसेज के लिए, ठीक है साथियों, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला वर्ड है आपका वन वर्ड नंबर 105, वो आपका कंटेजियस या फिर कंटेजियस भी पढ़ सकते हैं इसको, इसका मतलब होता है संक्रामक। आपने बहुत बार अभी देखा होगा न्यूज़पेपर में ये वर्ड इस्तेमाल होते हुए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है संक्रामक, मतलब विच स्प्रेड या फिर विच स्प्रेड बाय फिजिकल टच और कॉन्टेक्ट। देखिए अभी एक बहुत ही बड़े महामारी से पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, वो आपका क्या है कोविड-19, ठीक है, तो देखिए ये कैसे फैल रहा है, तो देखिए वही संक्रामक बीमारी है। आपने सुना होगा बहुत बार जो कोविड-19 है कैसा बीमारी है, वह संक्रामक बीमारी है। तो संक्रामक किसे कहेंगे, तो संक्रामक उसे कहेंगे साथियों जो फिजिकल टच या फिर कॉन्टैक्ट से फैलता है, स्प्रेड करता है, ठीक है। तो वैसे डिजीज को, वैसे बीमारी को हम लोग संक्रामक यानी कंटेजियस बीमारी कहेंगे, ठीक है, कंटेजियस डिजीज कहते हैं उसे, क्लियर। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका कि संक्रामक क्या होता है। संक्रामक वो होता है जो या तो फिजिकल टच या फिर अगर कॉन्टेक्ट में भी आ गए, अगर उसके करीब भी आ गए तो आपको हो सकता है, वैसे डिजीज को हम लोग संक्रामक बीमारी कहते हैं और इसका मतलब होता है कंटेजियस, तो याद रहेगा आपको। आगे बढ़ेंगे, अगला एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपका कंटेम्प्ररी, ये भी बहुतों बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इसका मतलब होता है साथियों समकालीन। समकालीन मतलब होता है जैसे एक ही समय के। अब देखिए मैं बताना चाहता हूँ समकालीन का एक एग्जाम्पल, कि जैसे आपका जो आपके देखिए गुरु द्रोणाचार्य के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, या फिर छोड़िए आप राम और रावण, ठीक है, आपके जो श्री राम और रावण जो है वो दोनों समकालीन कह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों सेम समय के थे साथियों, ठीक है, आपके जो राम और रावण थे वो दोनों सेम समय के थे, तो उन्हें हम लोग समकालीन कह सकते हैं। मतलब जो भी दो ऐसे कह सकते हैं महात्मा गांधी, ठीक है, और ये भगत सिंह, ये सब समकालीन थे, ठीक है, मतलब एक ही समय के थे, सेम समय के थे, ठीक है, तो उन्हें ही हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें ही हम लोग बोल सकते हैं कंटेम्प्ररी, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो हम दोनों कंटेम्प्ररी हो गए, मतलब एक ही समय के समकालीन, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा ऑफ द सेम टाइम। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला वर्ड है वो आपका कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस मतलब होता है समीपस्थ, मतलब नजदीक में, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब लिखा हुआ है कि टू कंट्रीज और स्टेट्स टचिंग अ कॉमन बाउंड्री, जैसे भारत नेपाल देखिए, ठीक है, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, तो ये एकदम सटे हुए हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि इसमें हमेशा विवाद रहता है, लड़ाई होते रहता है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंटिग्यूअस बोल सकते हैं, मतलब समीपस्थ है एकदम। मतलब देखिए टू कंट्रीज और स्टेट, सिर्फ देश के बारे में नहीं, आप स्टेट यानी यहाँ राज्य के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश और बिहार हो गया, ठीक है। तो अगर आप यूपी या बिहार के होंगे तो आपको पता होगा कि ये दोनों क्या है, आपस में सटे हुए हैं, बीच में एक बाउंड्री है, क्लियर। या फिर और भी बहुत सारे राज्य हैं जिसके बीच में, जिन दो राज्यों के बीच में एक ही बाउंड्री है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे हम लोग कंटिग्यूअस बोल सकते हैं, क्लियर, यानी समीपस्थ एकदम नजदीक में, ठीक है। जैसे कि ऐसा समझिए ये आपका यूपी है और इसके बगल में आपका बिहार, ठीक है, तो अगर बिहार से हमें यूपी में जाना है
तो हमें एक ही बाउंड्री मिलेगा, ठीक है, हमें एक ही बाउंड्री मिलेगा, मतलब एक से अधिक बाउंड्री नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिहार से पहले कहीं और गए, वहां से फिर यूपी गए, तो उसे हम लोग कंटिग्यूस नहीं बोलेंगे, बल्कि कंटिग्यूस ऐसे बोलेंगे कि एक ही बाउंड्री हो और वहां से डायरेक्ट हम चले गए। क्लियर? चलिए आपका अगला वर्ड है साथियों, वो आपका कंट्राइट, ठीक है, आपका वन वर्ड नंबर 108 है कंट्राइट। देखिए कंट्राइट का मतलब होता है पश्चातापी, ठीक है। देखिए ये जो वर्ड है थोड़ा सा टेढ़ा है, इसका मतलब देखिए मैं समझाना चाहता हूँ कि जब देखिए आप कोई गलती कर देते हैं, ठीक है, कोई जब आप गलती कर देते हैं और उसके लिए आप तहे दिल से मतलब माफी मांगना चाहते हैं, आप मतलब वो आप गलती फील करते हैं, आपको लगता है कि नहीं आपने कुछ गलत काम किया, तो वो जो अवस्था होता है उसी आप लोग आप बोल सकते हैं कंट्राइट, ठीक है। कंट्राइट मतलब वही होता है कि जब आप बहुत गलती जब आप कोई गलत काम करते हैं और आपके अंदर मतलब माफी वाली फीलिंग आती है, ठीक है, कि मतलब ये गलती हो गई, जब आप वो गलती मतलब वो आपको रियलाइज हो जाता है वो गलती, तब जो आपका अवस्था होता है साथियों वो आपका पश्चाताप वाला अवस्था होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं कंट्राइट, ठीक है, याद रहेगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा इसका हिंदी था, लेकिन कोई बात नहीं, याद करना, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला वर्ड है वन वर्ड नंबर 109, वो आपका कन्वालेसेंस। देखिए ये जो फिर से इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है कि पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति के बाद। देखिए ये आपका कंप्लीट यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं इसका कंप्लीट मतलब समझाता हूँ। देखिए कन्वालेसेंस मतलब होता है कि जब आप एक बार बीमार पड़े, ठीक है, एक बार बीमार पड़े और बीमार पड़ने के बाद, ठीक है, जैसे ही आप बीमार पड़े तो बीमार पड़ने के बाद जब तक आप रिकवर नहीं हो गए, ठीक है, जब तक आप रिकवर नहीं हो गए तो बीमार पड़ने के बाद और रिकवर होने से पहले, ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि बीमार होने के बाद जब तक आप रिकवर नहीं हो जाए तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कन्वालेसेंस, याद रहेगा। देखिए आपका इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वहां क्लियर लिखा हुआ है कि द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, तो याद रहेगा। कन्वालेसेंस मतलब क्या होता है कि बीमारी के बाद रिकवरी तक में लगा समय, वही क्या कहलाता है, कन्वालेसेंस कहलाता है, याद रहेगा। देखिए आपका अगला वर्ड है कन्वेंटिकल। कन्वेंटिकल मतलब होता है गुप्त और गैर कानूनी धर्मसभा। देखिए ऐसा धर्मसभा मतलब ऐसा रिलीजियस मीटिंग जो आपका गुप्त हो यानी सेक्रेट हो और गैर कानूनी हो मतलब इलीगल हो, ठीक है। देखिए बहुत सारे धर्मसभा होते हैं, तो उसमें से ऐसा धर्मसभा, ऐसा मतलब धर्म वाले लोगों का, एक धर्म वाले लोगों का जमावड़ा, ऐसा रिलीजियस मीटिंग जो सबसे पहला तो वो गुप्त हो, सेक्रेट हो, मतलब किसी को पता ना हो, ठीक है, ऑफिशियल किसी को पता ना हो, और दूसरा वो गैर कानूनी हो, मतलब वो आपका मतलब इलिजिबल नहीं है, वो आपका इलीगल है, ठीक है साथियों, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे ही हम लोग बोलेंगे कन्वेंटिकल, ध्यान में रहेगा आपका, सेक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग। चलिए अगला वर्ड साथियों आपका वर्ड नंबर 111, वो है आपका कोक्विटी, ठीक है। आपका वर्ड क्या है, वर्ड नंबर 111, वो है आपका कोक्विटी। देखिए ये जो वर्ड है कोक्विटी, इसका मतलब होता है दिल फेंक महिला, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि अ सेडक्टिव वुमन हु यूजेज हर सेक्स अपील टू एक्सप्लॉइट मेन, ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, इसे ही हम लोग बोलते हैं कोक्विटी। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, ये आपको मिलेगा, ठीक है, और आपको आंसर देना है कोक्विटी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले वर्ड की ओर। आपका अगला वर्ड है वर्ड नंबर 112, वो आपका कोरोनेशन। देखिए ये अच्छा वर्ड है कोरोनेशन, इसका मतलब होता है राज्याभिषेक, ठीक है। कोरोनेशन मतलब क्या होता है, राज्याभिषेक, मतलब सेरेमनी ऑफ क्रोनिंग ऑफ किंग, मतलब किसी भी राजा का जो राज्याभिषेक होता है, ठीक है, तो उसका जो सेरेमनी होता है साथियों, सेरेमनी होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं राज्याभिषेक, ठीक है। तो ये ऐसे पूछे जाएंगे कि सेरेमनी ऑफ क्रोनिंग अ किंग, मतलब ये जो वर्ड है इसका आप वन वर्ड बताइए, तो आपको क्या बताना होगा, कोरोनेशन। अब देखिए इसको आप याद कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए कोरोनेशन में एक नेशन आ रहा है, तो नेशन मतलब क्या होता है, राष्ट्र, ठीक है, राज्य, तो आप यहां से आप पकड़ सकते हैं कि नेशन मतलब राज्य, मतलब कोरोनेशन तो क्राउन किया जा रहा है नेशन को, ठीक है, मतलब वहां राज्याभिषेक हो रहा है, तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, को फॉर क्राउन और नेशन मतलब राज्य, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, ये याद करने का ट्रिक है। चलिए अगला है कॉस्मोपॉलिटन। देखिए ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है, आपके एग्जाम में ये आया हुआ सवाल है कॉस्मोपॉलिटन, इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया मतलब घूमते रहता है, जगह जगह वो घूमते रहता है, हर एक जगह का खोज खबर रखता है, तो वही लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया का निवासी, मतलब वो हर एक जगह घूमते रहता है, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मतलब पूरे दुनिया में मतलब कंट्री बाय कंट्री वो घूमते रहता है, ठीक है साथियों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला वर्ड आपका क्रेडुलस, ठीक है, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है क्रेडुलस, मतलब होता है, देखिए फिर से आपका बहुत ही मतलब हिंदी वर्ड जो इसका लिखा हुआ है ये बहुत ही थोड़ा सा कठिन है, ये लिखा हुआ आंसू विश्वासी, आप इसको ये याद मत रखिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा कि विश्वासी, ठीक है,
या फिर इसको ये लिख सकते हैं कि अति विश्वासी, ये कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ये रखिएगा कि विश्वास विश्वसनीय योग्य, आप सिंपल याद रखिए क्रेडुलस, मतलब आप यहां लिख लीजिएगा स्लैश डाल के कि विश्वसनीय योग्य, ठीक है, या फिर विश्वसनीय भी चलेगा, ठीक है, यहां लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं विश्वसनीय, ठीक है, ये लिख लीजिएगा ऐसे, मतलब क्रेडुलस मतलब विश्वसनीय, मतलब ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास किया जा सके। देखिए वही तो यहां लिखा हुआ है कि वन हु इज सिंपल एंड इजिली बिलीव्स व्हाट एवर इज टोल्ड, मतलब किसी पर, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आंख बंद करके विश्वास करना, ठीक है, तो आंख बंद करके अगर किसी पर विश्वास किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो क्रेडुलस कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला आपका क्रेमैटरी, अगला वर्ड क्या साथियों, अगला वर्ड है क्रेमैटरी, इसका मतलब होता है शमशान घाट, इसका मतलब क्या होता है शमशान घाट। अभी मैंने आपको सिमेट्री वर्ड पढ़ाया था, सिमेट्री वर्ड मतलब क्या हो रहा था कब्रिस्तान। तो देखिए कब्रिस्तान है मुस्लिम लोगों का जो होता है सबसे जो अंत का जो बॉडी को वहां दफनाया जाता है, लेकिन आपका जो क्रेमेट्री है ये हिंदू लोगों का, हिंदू धर्म में क्या है कि उनके बॉडी को दफनाया नहीं जाता बल्कि उनके बॉडी को वहां पर जाके जलाया जाता है, ठीक है। तो क्रेमेट्री मतलब क्या होता है शमशान घाट, तो वही लिखा हुआ द प्लेस फॉर कॉर्पसेस टू बी बर्नड, ठीक है। यहां पर देखिए बर्नड ध्यान दीजिएगा, उसमें आप ध्यान दीजिएगा सिमेट्री में वहां बर्नड नहीं लिखा हुआ था क्योंकि वहां पर उसे दफनाया जाता है और यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर हिंदू धर्म में शमशान घाट में लोगों को जलाया जाता है, ठीक है साथियों। तो ये वर्ड याद रहेगा क्रेमेट्री, क्रेमेट्री मतलब शमशान घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला वर्ड है क्रिपल, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है क्रिपल, क्रिपल मतलब होता है या तो अपंग या फिर अपंग बनाना, ठीक है, दो इसका मतलब दोनों आप याद कर सकते हैं, या तो अपंग या फिर अपंग बना देना, ठीक है। देखिए वही लिखा हुआ है कि समवन हु इज अनेबल टू वॉक नॉर्मली बिकॉज ऑफ एन इंजुरी और डिसएबिलिटी टू द लेग्स और बैक, ठीक है। देखिए मैं फिर से समझाना चाहता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है, जो चलने फिरने में अनेबल है, ठीक है, किस लिए, तो या तो इंजरी के कारण, ठीक है, या फिर उसका जो पैर है वो टूटने के कारण, कुछ भी डिसएबिलिटी के कारण, या फिर पीछे बैक मतलब पीठ में, मतलब कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में कोई भी इंजरी के कारण या फिर डिसएबिलिटी के कारण अगर वो चलने फिरने में अगर वो सक्षम नहीं है तो उसे हम लोग बोलते हैं अपंग या फिर अपंग बनाना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिपल, ठीक है। तो अगर ये आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप एक वर्ड में आंसर कर सकते हैं क्रिपल, ठीक है साथियों। चलिए अगला जो वर्ड है आपका कर्फ्यू, ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, जैसे अभी भी आपका जनता कर्फ्यू से शुरुआत हुआ, अभी भी देखिए नाइट कर्फ्यू चल रहा है। तो देखिए कर्फ्यू मतलब क्या होता है, मतलब एन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज या फिर मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड, मतलब वो आपका टाइम इंटरवल, ठीक है, जैसे ऐसा समझे कि जैसे जनता कर्फ्यू से शुरुआत हुई थी फिर नाइट कर्फ्यू बीच में लग रहा है, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि एक टाइम इंटरवल, मतलब बता दिया जाता है कि इतना बजे से इतना बजे तक, ठीक है, इसके बीच में ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। वही लिखा हुआ कि सर्टेन एक्टिविटीज या फिर मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड, मतलब बैन हो जाता है, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते, ठीक है, बाजार में घूम नहीं सकते, ये सारी दुकानें बंद रहेगी, तो ये कुछ नियम होते हैं और ये नियम जब लागू होते हैं तो उसे ही कहा जाता है साथियों कर्फ्यू, ध्यान में रहेगा। चलिए आपका सी लेटर का जो आखिरी वर्ड है, ठीक है, सी लेटर का जो आखिरी वर्ड है साथियों वो आपका साइनोश्योर, इंपॉर्टेंट वर्ड, सी लेटर का जो आखिरी वर्ड है वो आपका साइनोश्योर, इसका मतलब होता है आकर्षण बिंदु, ठीक है, मतलब कोई ऐसा पॉइंट जो आपका अट्रैक्शन वाला, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं इसको, ठीक है, साइनोश्योर मतलब क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर, ध्यान में रहेगा ये आपका साइनोश्योर। तो एक बार फिर से हमारे साथ आप रिपीट कर दीजिए, बोलिए साइनोश्योर, साइनोश्योर मतलब आकर्षण बिंदु या फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है साथियों। तो ये आपका कंप्लीट सी लेटर आपका समाप्त हो चुका है और हमारी कोशिश रहेगी कि हर पार्ट में आपका एक लेटर समाप्त होते जाए, ठीक है साथियों। और साथ ही साथ मैंने एक बात डिसाइड किया है कि आपका भी देखिए नीतू सिंह बुक का वोकैबुलरी चल रहा है साथियों, ठीक है, तो इसके साथ मैंने डिसाइड किया कि इसके साथ साथ आपका यम्बी पब्लिकेशन का भी वोकैब जो है चलाया जाए, तो मैं कल से आपका यम्बी पब्लिकेशन का भी वन वर्ड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक दिन ये चलेगा, एक दिन वो चलेगा, तो आप दोनों को देखें, दोनों में अच्छे अच्छे वर्ड हैं, दोनों जरूरी हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।